बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजीन प्रोग्राम दिलास रात में खुशा मदीदी मैं हूँ यासर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब नाजीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीनारे पाकिस्तान में इस वक्त जलसा जारी है और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान एक घंटा पहले जमान पार्क से निकल चुके थे और अभी वो जलसागा के करीब पहुंच चुके हैं कुछ ही देर बाद वो जलसागा में आवाम से खिताब भी करेंगे स्केजुअल के मुताबिक उन्होंने रात बाद बारह बजे के बाद अवाम से खिताब करना है कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त पंडाल के अंदर मौजूद है लेकिन अगर शहर के हवाले से आपको बताया जाए तो दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगाकर शहर के रास्तों को बंद कर दिया गया था अंदरून शहर के अगर रास्तों का हवाला आपको बताएं तो गड़ी शाहू में और उसके अतराफ में बत्ती चौक जितने भी आ, शाहरा बड़ी शाहराहे हैं वहां पर कंटेनर्स लगा के रस्तों को ब्लॉक किया गया ये हुकूमत की समझ से भी बालातर है कि कारकुनान कहां से पहुंचे हैं पंडाल इस वक्त भरा हुआ है दूसरी जानब वजीर इतलात ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनका यह कहना था कि आज के जलसे में तुम्हें यह बताना चाहिए कि हकीकी आज़ादी क्या है फॉरन फंडिंग कब ली तोशाखाना का भी अहवाल बताना चाहिए वजीर दाखिला राना सनाउल्ला ने कहा कि यह पाकिस्तान में लूटमार की हकीकी आज़ादी चाहता है और ये लोग बेनकाब पहले ही हो चुके हैं और आज मजीद बेनकाब होंगे लेकिन इस सबके के निगरान हुकूमत के इकदाम विफाकी हुकूमत के बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के नतज से मुख्तल दिखाई देते हैं यानी दिखाई ये देता है कि इकदाम धरे के धरे रहे हैं और आवाम बड़ी तादाद के अंदर पंडाल में पहुंचे राना साहब की तरफ बढ़ते हैं राना साहब दिन भर के मनाजिर खूबी वाकफियत रखते हैं और आप एनी शाहिद भी हैं आज लाहौर शहर में जिस तरह का हंगामा बरपा किया गया था क्या समझते हैं दिन भर क्या इकदाम हुए और उसके नतयज क्या रहे असला तो वसलम या सैद या हबीबल्ला देखें यहाँ सर मैं आज सुबह मेरा कुदरती टाइम था जस्टिस साकिब निसार साहब से कि मैंने उनके पास पहुँचना सर साढ़े तीन बजे मैंने क्या कुछ चीज़ें को डिस्कस कर लें कोई ख़बर हम भी निकालें तो एक बजे मैं घर से निकला जोहर पढ़ के सही और मैं शादबाग में रहता हूँ मेरे घर से मीनार पाकिस्तान का काफ़ी फासला है चौक ना खुदा से लेकर तो मुगलपुरा तक मुझे कंटेनर ही मिले मैं गलियों से पता नहीं किस तरीके से फिर डिफेंस किया डिफेंस से मैं वहाँ से होता होता जैसे साहब के ऑफिस पहुँचा यानी मैंने साढ़े तीन बजे जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच तो साढ़े तीन किया, लेकिन एक बजे निकला और ढाई घंटे में बीस मिनट का फासला मैंने ढाई घंटे में तय किया मुझे तो इस तरह लग रहा था कि आज लाहौर में शायद पता नहीं क्या होने जा रहा है गली कु कुचों चौकों बाजारों जगहों पर मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर ही कंटेनर थे हर जगह कंटेनर थे मैंने कल आपको याद कहे प्रोग्राम में कहा था कि कल कंटेनर ही कंटेनर होंगे हाथ टास्क दिया गया अच्छा प्रोग्राम ये इनका बना के लोगों को थका दो रोजे होंगे लोग पहुंच नहीं सकेंगे जब कप्तान का जलसा नहीं हो सकेगा लोग पहुंच नहीं सकेंगे वहां पे कुछ नहीं होगा तो हम कहेंगे कप्तान फेल हो गया जिस तरह कप्तान ने दो दफा बल्कि आप तीन दफा कह लें जमानत के लिए खुद चला गया ना कोई रश लेके गया ना आवाम लेके गया तो इन्होंने समझा शायद उसके साथ कुछ नहीं लेकिन आज लाहौरियों ने साबित कर दिया कि वो कप्तान के साथ आपने भी वो मनाजर देखे मैं वहाँ से होके आया हूँ और मैं ये हल्फन कहता हूँ कि मैंने कप्तान के जितने जल्से पहले देखे थे ये उन तमाम जल्सों से बड़ा जल्स है और मैंने लोगों को कई कई किलोमीटर फैमिलीज़ को पैदल चलकर वहां वहाँ आते हुए देखा है मैंने कई कई किलोमीटर फैमिलीज़ को वहाँ पर आते हुए और रास्ते में उनका जोश देख के वहाँ परेशान हुआ कि इतना मैंने मैं, मैं तो चूंकि मोटरसाइकिल पे था ना मैंने गाड़ी पीछे घड़ी की मैंने मोटरसाइकिल पे निकल निकाल किया था मैं लोगों से पूछता था लेकिन लोगों में जज्बा था और वहां पे आई सर्दी भी थी लेकिन अब अवमी जज्बात अवामी, अवामी जो है वो है। तो कमाल कर गई और ऊपर से कप्तान भी अब वहां सब ग्राउंड का क्या हाल है ग्राउंड का हाल तो थी कि पानी छोड़ा हुआ पानी छोड़ा हुआ था ग्राउंड थी लेकिन इनके लिए कुछ नहीं है सर याद करें चीचा वतनी का जलसा याद है ना आपको कितना कितना पानी डॉक्टर यासमी राशद से लेकर इमरान खान तक सब वहां पहुंच गए नजीर जट से लेकर आयशा नदीर तक कौन नहीं था वहां पर तो वह अब अब खत्म हो गया मामला आज तो मैं ये समझता हूं कि आज कंटेनर स्तान जो लाहौर बना हुआ था वो जीरो बटा जीरो हो गया कप्तान पहुंच गया है कप्तान की आमद का वहां पे ऐलान हो गया और ये कप्तान ये जी बिल्कुल पहुंच गए बिल्कुल हमारी स्क्रीन पे नजर भी आ रहे हैं कप्तान के वहां पहुंचने के और लो आप लोगों को देखें लोग पागल हैं पागलों की तरह दीवानों की तरह कप्तान के पीछे वो कहते हैं बस जो कप्तान ने कह दिया वही ठीक है देखिए लोगों को एक नई होप मिली है लोग उस नई होप पे चल पड़े हैं अब 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 हुकूमत क्या जवाब देगी अब हुकूमत के पास क्या दलील होगी अब हुकूमत के पास क्या बहाना होगा अब हुकूमत के पास कौन सी ऐसी वजह होगी कि जिससे हकूमत यह साबित कर सके कि जनाब आज जो है आ, हमने कुछ नहीं किया मुझे अफसोस हुआ है कि पंजाब के, के वजी इतलात कहते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई मुझे बताएं जो मुल्तान रोड पे कंटेनर लगा है वहां पे कौन सी सिक्योरिटी है ये जो ठोकर न्यास पे पे कंटेनर लगा है वहां पे कौन सी सिक्योरिटी है मेरे घर के बाइक चौक में जो कंटेनर लगा है उसकी सिक्योरिटी कौन सी है मुगलपुरा में जो कंटेनर लगा उसकी है उसकी कौन सी सिक्योरिटी है शालमी में जो कंटेनर लगे गली मोहल्लों में जो कंटेनर लग गए वहां पर सिक्योरिटी कौन सी है ये सिक्योरिटी नहीं थी अब आम को रोकने का एक तरीका था लेकिन आज मैं आपको एक बात कहूँ आप जो बात कह रहे थे से पहले कि पुलिस ने भी पुलिस वाले चाहते थे वो भी तो हमसे हैं ना वो तो हमारे अंदर से हैं हमारे में से हैं उनको भी इसी महंगाई का सामना करना पा रहा है उन्हें भी इसी अजियत का सामना करना पा रहा है तो आज एक चीज तो बिल्कुल फाइनल हो गई कि आज की बाजी कप्तान जीत गया और यासर वहां पर मैं आपको बताऊं लोग जिस तरह आए हैं और वहां पर लोगों ने यासर साहब खुद देगें सैरी का इंतज़ाम इफ्तारी का इंतजाम पानी की बोतलें जूस के डब्बे खुद लोग लेके वहां पे आ रहे हैं इतने बड़े लोगों के लिए इतनी आवाम की तादाद बहुत ज्यादा है तो कैसे मैनेज करेंगे सैरी के लिए दे करेंगे ये डब्बों में पैक हो रही है पैकिंग शुरू भी हो गई है हजारों पक रही हैं पैकिंग शुरू हो गई है मैं अभी शाही चौधरी वहां पे है जब उससे राबता घोषे पूछेगा मिर्जा ना नासिर साहब है गालबन आपके फैसलाबाद के ओवरसीज के जो हैं मिर्जा साहब वो हैं नवी शरीफ है, है वहाँ पे फिर एक उकारा से हैं और उसके बाद अल्लाह बला करे शेहूपुरा से हैं फिर एक शख्स ऐसा है मैं उसने मुझे कहा कि मेरा नाम नहीं लेना मैंने वहाँ पे उनको देखा तो मैं मैं परेशान हो गया अस्सी लाख का खाना वो पका रहा था मैंने कहा आपका नाम क्यों नहीं लेना उसने कहा नहीं बस मेरी खान से मोहब्बत है की, की मोहब्बत है, दोस्त है मेरे जैन मलिक दुबई में होते हैं वो आए थे पीटीआई के जद्दोजहद के लिए कंपेन चलाने के लिए वापसी की टिकट थी बाद में पता चला कि इलेक्शन मुलतवी हो गए तो भाई साहब इधर ही बैठ गए कि जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तब तक वापस नहीं जाना चाहिए बिल्कुल इसी तरह कह रहे मैंने मैंने आज पूछा उससे नवी शरीफ से पूछा मिर्ज़ा साहब से पूछा वहीं पर उनके बंदे वो खुद मैं कि क्यों कि आप जाएँ जाके अपना कारोबार करें बाकी आपने कहना यार हमने सोचा है कि हमारी उम्र तो गुजर गई है हम क्यों ना अब अपनी बच्चों के लिए अपनी आने वाली नस्लों के लिए कोई ऐसा काम कर जाए कि जिससे कम अज़ कम हमारी नस्लें जो हैं हमें याद तो करें ना ये पैसा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा अगर मेरा मुल नहीं होगा अगर मेरे मुल्क के ऊपर ऐसे हुक्मरान होंगे जिससे मुल्क तरक्की करने की बजाय जवाल की तरफ जाए तो क्यों ना मैं इस पैसे को उन लोगों पर खर्च करूँ उनके लिए खर्च करूँ जिनके लिए मुझे मेरा ज़मीर मुतमिन हो ये ये चीज़ें दिखाई गई अगर आप उसके बाद इन्होंने आपको मैं जलसे जुलूसों की फुटेज दिखाऊँ इन्होंने लोगों को रोका लोग ट्रेनों में आ गए लोग मैं आपको एक मज़े वाली बात बताऊं एक जुलूस बारात बन के निकला एक जुलूस बारात बन के निकला फिर उसके बाद वहां से वो गले में हार डाल के ना पूरा तैयारी करके अगर प्रोड्यूसर साहब वो दिखा सके कुछ तस्वीर हैं इनके बाद वो रोहे रवा होंगे उस जलसे तो, तो मज़े वाली बात है कि वो शकील और जिसकी हम अक्सर बात करते हैं वो गले में हार डाल के उसने जुलूस बनाया मैं क्या ये क्या कहता है ये समझे कि शादी शुदी है वो वहाँ से लेके अपने बंदों को पहुँच गया उसने क्या पकड़ के दिखाओ भाई इसी तरह बाकी लोग पहुँच गए अगर हम वो जलसे जुलूस गैदरिंग देखें तो आप परेशान हो जाएंगे अब मुझे बताएं इतने लाखों की तादाद में लोगों के लिए खाना मुख्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी का रहे हैं खान साहब के घर के बाहर आज कई गुना ज्यादा टेंट लग गए हैं कि जलसे के बाद जो लोग वहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर भी खाना चलेगा वहाँ पर भी सैरी का इंतज़ाम होगा वहाँ पर भी इफ्तारी का अगले दिन का होगा क्योंकि कल से पाकिस्तान की तारीख को आप तब्दील होते देखेंगे या सर बड़ा कुछ तब्दील होने जा रहा है आपने वो सत्ताईस मार्च की बात की थी सत्ताईस मार्च को दरअसल होने क्या हालांकि आप जरा देखें तो सही ना सताईस मार्च देखें आ गया ना आज मंजूर हो गई आज उनकी वो सारी चीज़ें मंजूर हो गई हैं ना, ना सुबह समात है उस उसमें सुबह समात है तो समात के बाद आप जरा देखते तो चाहिएगा मेरे पास जो इतला है प्लानिंग तो इनकी हर सूरत में यह है कि चाहे अदलिया फैसला दे दे चाहे अदलिया जो मर्जी कर दे हम किसी सूरत में भी किसी सूरत में भी हम लोग वो नहीं करवाएंगे इलेक्शन नहीं करवाएंगे और यहाँ तक इतला है मैं ख़बर दे रहा हूँ आपको ब्रेक कर रहा हूँ खबर इतला तो मेरे पास यहाँ तक है ये कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर नहीं तो जुलाई तक कोई सिस्टम बना दे, कोई ऐसा सिलसिला बना दे कि जुलाई तक इलेक्शन ले जाएँ अकतीस तक नहीं जुलाई तक ले जाए अप्रैल नहीं जून जुलाई 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 में इलेक्शन करवा दें हम उसके लिए तैयार हैं उसके लिए वो चाहे जली ए हो जाए चाहे कोई दरमियान में आ जाए चाहे कोई और चीज़ हो जाए लेकिन एक चीज चीज़ें रखिए अगर हम अपनी फेस सेविंग चाहते हैं वो कहते हैं वो फिर ये बयानिया अपनाएंगे कि अक्टूबर पे तो इलेक्शन कमीशन कह रहा था हम जल्दी पे मानकर लेकिन बास फिर सवाल ये बनता है कि जब आपकी तमाम वजारतें जो हैं रिपोर्ट्स जमा करवा रही हैं ना फंड्स हैं दहशतगर्दी का खतरा है फोर्स ले नहीं सकते तो ये जुलाई में कैसे मैनेज होगा यार देखिए इनका इनकी चोरी पकड़ी गई है इनकी गलत बयानी पकड़ी गई है मुझे एक बात तो बताएं ये जो हुआ है जितना ये मामला हुआ है इलेक्शन शेड्यूल तीसरे मरले का सिंध में शुरू हो गया बलदियाती इलेक्शन का जी तो मुझे है जब हो गया ये सारा शेड्यूल वहां पे आ गया है सारा कुछ हो रहा है तो इस सारी सूरत हाल में वहां पैसा लग रहा है पैसा लग रहा है तो वो फंड कहां से आ रहा है वो सवाल बनता एक दिन का खर्चा हुकूमत का जो जाते है सिलेक्शन हो जाता है यह ड्रामेबाजी है सिर्फ एक्शन ये जीत नहीं सकते राना साहब ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं जलसा तो आज कामयाब किसी हद तक रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो बड़े शहरों के अंदर मुल्तान के मनार हैं गिरफ्तार फैसलाबाद के हैं सियालकोट के हैं मुल्क के तूलो अर्स में गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं और बिलखसूस पंजाब को मरकज नगाह बनाया गया ये गिरफ़्तारियों के हवाले से ये प्लान हुकूमत का किस हद तक कामयाब होगा और इसके नतयज वो क्या हासिल करना चाहते थे देखिए वो नतज हासिल करना चाहते थे हुकूमत के जन में यह था जो माजि में हमेशा होता है कि गिरफ्तारियाँ करें मेन मेन लोगों की एक लिस्टें बनाएं कि ये फांसर है ये पैसे खर्च करने वाला है ये ट्रांसपोर्ट देने वाला याद है याद हमने लिस्टें चलाई थी इन लोगों को गिरफ्तार करें गिरफ्तार करने से एक खौफ की फजा पैदा होगी और उस खौफ की फजा के बाद लोग जल्द से जुलूस के लिए नहीं आएंगे लाहौर के बाहर से नहीं आएंगे आपको मजे वाली बात है सुबह छह बजे से लाहौर में दो ट्रांसपोर्ट के बड़े अड्डे हैं एक लारी अड्डा और एक शेराकोट दोनों अड्डों में सुबह छह बजे से लेकर स्टिल इस वक्त तक ना कोई गाड़ी आ सकती है ना जा सकती है कितने हज़ार या लाखों लोग इससे मुतासर हुए होंगे कितने लोग होंगे जो जिनको इससे तंगी हुई होगी इसलिए कि बाइट से ना कोई आए ना कोई जाए और ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर उन्होंने कहा जिसने ट्रांसपोर्ट दी उससे ही होगा अब गिरफ्तारियां भी हो गई सारा कुछ हो गया उसके बावजूद यह जलसा हो गया अब उन गिरफ्तारियों उन ट्रांसपोर्ट के बंद करने उन कंटेनर लगाने उनको सख्ती करने अब उसके इसके बाद क्या रह जाता जैसा गिरफ़्तारियाँ हुई हैं मजबूती तौर पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ क्लेम क्या कर रही है फैसलाबाद से तो वो सबक एम एन ने निसार जट साहब को भी गिरफ्तार कर लिया दीगर लोगों के घरों पर भी छापे मारे गए इसी तरह दीगर शहरों के अंदर भी हैं अभी अभी तार हिंदली को जो एम पी ए थे सियालकोट से उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया मैं देख रहा था सियालकोट मोटरवे से उनको भी गिरफ्तार कर लिया बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तारियाँ मैंने कह रहा हूँ तो तीस तीस दिन की नज़रबंदी चल रही है राम साहब ये ये दो से तीन दिन में ख़त्म हो जाएगी आज शाम को जलसा खत्म होने दें तो अगले तीन से चार दिन में ये लोग बाहर आज नहीं इसके नतज क्या होंगे जलसे का ऐलान अगर वो तीन दिन बाद एक नया जलसे का ऐलान करते हैं फिर क्या करेंगे अब नए जलसे का ऐलान नहीं है अब मामला कुछ और होगा मैं आपको ये नहीं, अब मामला क्या बैकडोर डिप्लोमेसी की तरफ जाएगा नहीं, कोई, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी की तरफ जाएगा। सड़कों की सियासत है ना देखे दो चीजें जहन में रखिएगा वकला एक बड़ी तहरीक शुरू करने उस तहरीक को ये रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकते नंबर एक दो कप्तान इस्लामाबाद जा रहे हैं इस्लामाबाद में कप्तान अदालतों में पेश होने जा रहे हैं कप्तान ने गिरफ्तार अगर कप्तान को गिरफ्तार करते हैं कप्तान जहनी तौर पर उसके लिए भी तैयार है अगर कप्तान को गिरफ्तार नहीं करते कप्तान उसके लिए भी तैयार है कप्तान ने प्लान ए प्लान बी प्लान सी और प्लान डी चार प्लान बना लिए आप वो प्लान क्या है ये किसी को नहीं बता रहा लेकिन ये जरूर है कि कप्तान ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अब उन्हीं दिनों में आपको नजर आएगा एक हफ्ते में फैसला हो जाएगा आपका ये सारा कोर्ट से इलेक्शन होने हैं नहीं होने इलेक्शन कब होने हैं कब नहीं होने इलेक्शन की राह में रुकावट कौन है कौन नहीं है इलेक्शन कौन रोक रहा है कौन नहीं रोक रहा हम कुछ चीजें बयान टीवी पे बैठ के नहीं कर सकते लेकिन फैसले किसने कहाँ पे क्या करने हैं ये बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और अगला हफ्ता जो है ये फाइनल है आप समझ लें ये टी ट्वेंटी का फाइनल है टी टेन का फाइनल है टेस्ट मैच नहीं है ये रोज़ाना की बुनियाद पे होना है और रोज़ाना की बुनियाद पे होने वाली चीज़ें जो है ना बड़ी क्लियर हो जाएंगी आप गौर करें कि अब हालात चेंज होते जा रहे हैं आज राना तनवीर ने हमारे ही टी वी चैनल पर क्या है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस शर्प इस मौजूदा हालात से फ़ायदा उठाना चाहती राना तनवीर साहब एक वफाकी वज़ी है, हकूमत के करीब तरीन आपके बेहतरीन तहादी हैं है। वो पीपल्स पार्टी का मतलब ये कह रहे हैं मैंने कल कहा था फूट पड़ चुकी है और आज उन, उन इस बात की वो तस्दीक कर गए हैं तो इन सारे हालात में जो हालात हैं इस सारे हालात में तो आपको बड़ा क्लियर है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कोई तीसरी राय नहीं है हालात तब्दील हो रहे हैं अगला हफ्ता जो है वो पाकिस्तान की सियासत को तब्दील कर देगा देखें कप्तान को अक्टूबर में भी लेक्चर मिले ना तो कप्तान को फर्क नहीं पड़ता इसलिए कौन सी ऐसी छड़ी है जादू की कि आप अक्टूबर तक हालात ठीक कर लेंगे अक्टूबर बहुत दूर है अक्टूबर से साठ दिन पहले आपको खत्म करनी पड़ेगी अपनी हुकूमत आपको अबूरी सेटअप लाना पड़ेगा तो आप कौन सी ऐसी चीज छोड़ के अबूरी सेटअप लाएंगे सारा कुछ हो जाए मैंने तो आपको बताया तीस अप्रैल अगर तीस अप्रैल को इलेक्शन नहीं होते तो फिर जुलाई या सर ये आज के दिन को टाइम को नोट कर ले तीस अप्रैल अगर तीस अप्रैल को इलेक्शन नहीं होते तो फिर जुलाई में तो फिर जुलाई में इलेक्शन होंगे लेकिन अगर तीस अप्रैल को इलेक्शन नहीं होते फिर पाकिस्तान में आइन नहीं है फिर पाकिस्तान में खत्म है आइन आप जिसको जमहूरियत कहते हैं तो फिर मई अगर आप जुलाई की बात कर रहे हैं तो फिर मई में तो हुकूमतें भी जा रही हैं ना फिर अगर जुलाई में इलेक्शन है तो फिर मई में हुकूमतें जाएंगी तो इलेक्शन होंगे ना जी बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ कैसे ही होगा साठ दिन पहले इन्हें जाना पड़ेगा और नहीं अगर मई में इलेक्शन है साठ दिन पहले नहीं फिर इनको तीन माह पहले जाना पड़ेगा फिर तीन, तीन माह पहले जाना पड़ेगा क्योंकि वक्त से पहले अगर डिजोल्व करते हैं तो फिर तो नंबर तीन माह पहले जाना पड़ेगा ये बातें तो बड़ी क्लियर और साफ सी हैं बहुत से फैसले जो है ना या वो होने वाले हैं और बहुत से फैसले हो रहे हैं चले इस पर मजीद भी बात करते हैं नाजरीन एक ब्रेक ले के बाद वापस आएंगे इसी सियासी मंजरामे बात करेंगे और मौजूदा महंगाई के हवाले से बात करेंगे कि जो हुकूमती इकदाम हैं और आवाम की मुश्किल हैं वो क्या है कहीं नहीं जाएगा के बाद खुशा मदीत राना साहब आज जलसे से पहले विफाकी हुकूमत ने एक इजलास बुलाया वजी दाखिला भी मौजूद थे शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे खबरें बहुत चलती रहीं आज विफाकीकूमत डिसाइड क्या कर रही है आज की मुशावरत क्या रही है आपने कहा कि फूट पड़ रही है लेकिन फूट अगर पड़ रही है तो इतहादी जमातों में पड़ रही है नून लीग फिर क्या प्लान कर रही है देखिए नून लीग हर सूरत में अपने आप कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ऐसा सिस्टम आ जाए कि उनको पंजाब में कम अज कम कम अज कम उनको पंजाब में हुकूमत मिल मिल जाए कम अज कम वो पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत रख सके नहीं तो कम अज कम सेकेंड नंबर पर तो वो हकूमत कर सके ना सेकेंड पोजीशन तो वो ले सकें ये ये वो इस चीज़ पर कोशिश कर रहे हैं ये जो मियाँ शरीफ साहब पंजाब के आज मुख्तल असलाम में गए हैं और आज उन्होंने कहा है कि मैं पंजाब के तमाम शहरों में जाऊँगा और ख़ुद जाके आटे की तरसील जो है उसे बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा जी तो मुझे पहली तो बात है आप आटे की तरसील को बेहतर ना बनाएं आटे को बेहतर बना दें <laughs> नंबर एक नंबर दो ज़रा शबाशी साहब उस जगह भी जाएँ जिस जगह पर इनके प्रोटोकॉल के बगैर जाने से इन्हें पता चले कि वहाँ पर ख़वात के साथ बच्चों के साथ बुढ़ों के साथ क्या सलूक हो रहा है वहां पे जाएं बेस बदल के जाएं और जाके देखें कि वहां पर किस तरह तजलील हो रही है बदल के राणा साहब पे लाओ लश्कर लेके साथ में जाया जाता है ताकि तस्वीर बनवाई जा सके बस यही है ना फिर यही बदकिस्मती है ना और फिर वहां जाए जहां पर चार हजार लोगों के शनाब्दी कार्ड लेकर शेहूपुरा में ट्रक आटे के एक स्कूल के अंदर दाखिल किए और उसके बाद दूसरे गेट से ट्रक निकल गए औरतें बच्चे वहां प्रोटेस्ट करते रहे सड़क ब्लॉक रही साढ़े तीन घंटे रोड ब्लॉक रहा वहां जाए वहां जाके ये सत्तर लाख तकसीम हुआ है खबरें तो ये गर्दिश कर रही हैं जी सत्तर लाख हमने तकसीम है कर दिया सत्तर लाख तकसीम ये नहीं पता किन में हुआ सत्तर लाख तकसीम हो गया है ये इसी तरह हुआ ना या सर ये तेरा ये मेरा ये तेरा ये मेरा ये तेरा ये मेरा ये तेरा ये मेरा इसी तरह हुआ ना क्या सत्तर लाख लोगों में तकसीम आपका आटा नज़र आ रहा है आपको मैं चलें कल हम एक फुटेज दिखाएंगे और फुटेज होगी इसी शहर की लाहौर शहर की तो उस फुटेज में जरा देख लीजिएगा क्या हाल होता है ये जो फुटेज हमारे सामने चल रही है ये बेचारे ये लोग ये औरतें ये बच्चे ये सारे आटा लेने आए हैं आटा लेने आए हैं ना तो आप इनको मुझे बताएं ये कब से खड़े होंगे ये रोजे की हालत में है बारिश भी थी गर्मी भी होती है सारा कुछ है ना मर्द ना औरत किसी चीज की नहीं बस बैठे कोई किसी का पुरुषाने हाल नहीं कोई किसी को पूछने वाला नहीं जहां पे आम यहां पे आटा मुफ्त दे रहे हैं दूसरी तरफ आटे की कीमत जबरदस्त ज्यादा कर दी गई है और बिल्कुल इस तरह कर रहे हैं जिस तरह है ही कोई नहीं आपने तीन थैले एक माह में देने का फैसला किया यानी आपने तीन दफा आवाम को जलील करने का फैसला कर लिया आवाम को आपने तीन दफा बेकारियों की तरह खड़े करना है आपने अवाम को तीन दफा खड़ा करके जलील करना है आओ, कि जनाब आओ आपको एहसास हो क्या आप बेकारी हो आपको एहसास हो

अब आप मुझे एक बात बताएं ये किस जगह लगा होगा एक आटे की तस्वीर हम देते जा रहे हैं मुफ्त आटा और करीब कोई भी नज़र नहीं आ रहा ये कौन सी जगह होगी ये मेरे पास सोना पड़ा हुआ उसका भरम तो और बढ़ गया जिसके पास डॉलर पड़े हुए थे उसका भरम उससे ज़्यादा बढ़ गया भाई जिस मुल्क के अंदर रुपए की कदर ये हो कि आज 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 का दिन मैं आपको बता रहा हूँ मैंने छिहत्तर रुपये का रियाल लिया है सेवनटी सिक्स रुपये का रियाल चौदह रुपये में हम लेते थे पिछले साल बतालीस रुपये में लिया पैंतालीस तक चला गया पचास तक चला गया होगा अब कितने में है छहत्तर रुपये में और जब उम्र में जाना मैं लगता मुझे एक सौ छहत्तर में हो जाना तो आप उधर ही देखते हज के अखराज में साढ़े तीन लाख से ज्यादा हाँ। इजाफा हो गया अभी उसमें कुर्बानी के अखराज शामिल नहीं उसमें कुरबिल्कुल इसी तरह हज नामुमकिन हो गया उम्र मुश्किल कर दिया इन्होंने उसके बाद खाना भी ना मुश्किल कर दिया कमाल के लोग हैं ये मैं आपको एक बड़ी मजे वाली याद बताऊँ बात और हमने बात की है पी आई ए के जुबादारान से उन्होंने हमें यकीन तो दिलाया चार माह पहले इन्होंने बाईस तारीख की सीटें बुक कर दी पी आई ए ने बाईस तारीख की वापसी की पैसे ले लिए यानी नेक्स्ट मंथ बाईस हाँ नेक्स्ट मंथ बाईस अप्रैल के पैसे ले लिए पैसे लोगों ने जमा भी करा दिए टिकटें भी इशू कर दी सारा कुछ हो गया पता चला जी बाईस तारीख की फ्लाइट ही नहीं है हमने ये है गैर मुल्की प्रवासों के हवाले से भी इसी तरह की पढ़ा चल रहा है पर, कि उनको अदायगियाँ नहीं हो पा रही पूछा गया उनसे कि भाई आपने अगर नई फ्लाइट थी तो बाईस का शेड्यूल क्यों दिया और पैसे क्यों लिए जी वो पच्चीस में आ जाए अब एक गरीब आदमी जिसने बाईस को आना था अब तीन दिन का उसके बाद तो खर्चा ही नहीं है वो कौन रखेगा वो कहाँ रहेगा कहाँ से खाएगा असोलन तो एयर लाइन का बनता है ना अगर एयर लाइन खर्चा उठाएगी तो एयर लाइन वैसे ही बेचारी जिस पोजीशन पे है अगर वो वैसे ही अपने वीजे की मैयाद के आखिरी दिन की उसने टिकट करवाई हुई तो वो तीन दिन ऊपर वो लिए तीन लिए? दिन ऊपर ये ये हालात है मैंने पूछा एक अफसर से मेरी बात हुई उसने कहा जनाब कोशिश कर रहे हैं मैंने कहा जी हमें ये नहीं है कि लगे या ना लगे आपके पास बाईस की नहीं थी सीट तो आपने क्यों टिकट के पैसे लिए आपने शेड्यूल में जो टिकट दिया हमें उस पर लिखा हुआ है बाईस तारीख क्यों लिखा हुआ है ये एक नहीं दो नहीं तीन नहीं सैकड़ों लोगों से आपने किया क्यों किया भाई इस मुल्क में आप किस आधार जिस आधारे को आप छेल लें आप महंगाई की तरफ चले जाएं आप कानों को हाथ लगाते हैं आप, आप आप हस्पालों में चले जाएं आप कानों को हाथ लगाएंगे आप मेडिसिन के लेने चले जाएं आप कान को हाथ लगाएंगे आप मुझे बताएं गरीब आदमी क्या आप रोज़े रोजा रोज़े इफ्तारी के वक्त खुदा की कसम आप उन लाइनों में लगे लोगों को देखे जहां में मुफ्त खाना मिल रहा है खुदा तरस लोग मौजूद हैं अब भी बेनतहा लोग हैं और वहां पे लोग मुंह छुपा के खाना लेने आते हैं मैंने एक शख्स से आज लेकिन हाँ। राणा साहब आप ये तो देखें कि कमी हो चुकी है इसमें लाहौर में गुजशत सालों की अगर आप सूरत हाल देखें आपको जगह जगह पे ये अंदरून में जगह जगह इधर पोश एरियाज में भी जगह जगह पे आपको कितारें यूं ही दिखाई देती थी लेकिन रफ्ता रफ्तार अब उसमें भी कमी हो चुकी है अब वो तबका ये कहता है कि हमारे पास तो अपने अखराजा उठाने के लिए इस वक्त हालात नहीं है साजगार बिल्कुल आप दोस्त कह रहे हैं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं मैंने बहुत दस्तरखान कम हो गए कम इसलिए हो गए कि लोगों के पास वाकई नहीं है अपने कारोबार बड़े बंद कर दिया कारोबार बंद कर दिया मुझे बताया जिसे चिकन लेने जाना आज पाँच सौ पचपन रुपये चिकन था होटल बंद है सारा कुछ बंद है रमज़ान का महीना है पाँच सौ पचपन रुपये चिकन था आजकल तो एक कंपेन बड़ी चल रही है फल का बाउट करो फल आप केला खा सकते हैं कोई साढ़े पाँच सौ रुपये दर्जन आप केले आप नहीं खा सकते सेब आप किस दूर है आप बता रहे हो पंद्रह सौ रुपये किलो अंगूर है मैंने कल बताया ठीक है नहीं महंगा कर दिया गया दूध महंगा कर दिया गया मैंने मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं ये हल्फन कह रहा सुबह घर से निकला तो घर के बाहर कुछ खवतीन खड़ी थी मैंने पूछा भाजी आप उन्होंने कहा जी हम तो जुकुआत लेने आए हैं मैंने कहा जी हमने तो ज़काहत दे दी थी उन्होंने कहा बेटा कुछ ना कुछ तो दे दें रात को खा लें चले जो गुंजाइश थी हम लोगों ने कर दी मजीद कर दी उन्हें लेकिन ये वो लोग हैं जो चंद हमारे सामने आ गए जरा जाकर मैं लोगों से कहता हूँ परचून की दुकान पर और दुकानों पर जाकर देखें तो सही क्या हालात हैं लोग भूख से मर रहे हैं लोग भूखों मर रहे हैं उनको पूछने वाला कोई नहीं है ये हालात हो रहे हैं और यहां पर जो जकवात देते थे बेचारे उनके साथ क्या किया गया पाँच दिन आपने बैंक बंद कर दिए चार से पाँच दिन तो बैंक बंद हो ना। गए ना जी और कई पैसे वहाँ से वहाँ से गई जकवात अगर असल हकदार तक पहुँच जाती तो शायद यासर साहब आज ये हालात ही ना होते बिल्कुल चेंज साहब अगर हुकूमत का ये मौक़ मान लिया जाए कि पूरी दुनिया में और बिलखसूस यूरोप के अंदर भी इस वक्त महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात देखें वहाँ पर तारीख की बलंद तरीन सतह जो है ना वो अट्ठारह से बीस फीसद है और हमारे यहाँ सैंतालीस फ़ीसद है तो ये पाकिस्तान के बैरून ममालिक से किस तरीके से कर है? तो बैरून ममालिक में जो सहूलतें दी गई हैं जो वहां के लोगों को उनके राइट्स दिए गए हैं वहां के लोगों के लिए जो वहां पे उनको सहूलतें गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं क्या उनमें से पाँच परसेंट हमें मिल रही है अगर उधर वाला कोई शहरी पाकिस्तान में आ जाए तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से पाकिस्तान उसके लिए सस्ता तरीन मुल्क होगा और सिफर अशारिया सात फीसद उसके लिए महंगाई होगी बिल्कुल और हमारा उधर चला जाए तो हमारे वाले के लिए एक सौ बाईस फीसद महंगाई होगी सर उसकी वजह है ना उसकी वजह आप देखें ना आप हमारी पर कैपिटा इनकम ही नहीं है ना इनकम बड़ी नहीं रही इनकम नहीं है हमारा रुपया जीरो पे चला गया है इससे भी बल्कि नीचे जाना मुझे तो लगता है हमसे बेहतर तो अफ़गानिस्तान हो गया भाई हाँ जी हमसे बेहतर बांग्लादेश हो गया हमसे बेहतर और वो मालिक हो गए जो हमसे मुझे याद है एक वक्त में अफगानिस्तान की करेंसी है बोरियों में भरी होती थी बोरियों में कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता था आज अफगान अब आधार काजार पाकिस्तानी का एक हज़ार अफ़गानी आता तो आप अंदाजा लगा ले जब कॉमें बनती हैं तो कॉमें अच्छे हुक्मरान अच्छे सियासतदान अच्छी सियासी जमातों कि अंदर से निकलने वाली आवाज़ से बनती है। ये भी अजब मुहम्मा है कि आ, अमेरिका के वहाँ से निकलने के बाद डॉलर वहाँ पर मौजूद नहीं था और फिर भी उनके रिज़र्व बढ़ गए और हम हमारा रुपया उससे मज़ीद तनाज़ुली का शिकार हो गया ये है अजीब हैरत हंगे बात है अच्छा ये हमारा ही हुआ है ना बा डॉलर जितना महँगा होगा ना तो ये जितने हमारे तगड़े लोग हैं ना उनका इतना फ़ायदा है उनके लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ होती है ना वो डॉलर का महंगा होना होता है मुझे मुझे आज एक बड़ा तगड़ा हुकूमत में उसका बड़ा सरसूखा उस शख्स मिला तो मैंने उसे कहा यार डॉलर फिर महंगा हो गया पता उसने हंस के मुझे क्या कहा उसने कहा मौजा हो गया ना साड़ियाँ थे मैंने कहा क्या मतलब उसने कहा भाई जितना महंगा होगा हमें तो उतना ही फ़ायदा है ना हम तो काम ही डॉलर में करते हैं हम पाकिस्तानी करेंसी में काम करते ही नहीं हैं ये लफदा किया उसने अब मुझे बताएं जिस मुलक के अंदर ये हालात हों आप हुक्मरानों को कुछ ना कुछ करना चाहिए या सर अब आप अगर इस पाकिस्तान की हालत में रहम खाना चाहिए इस ना... पाकिस्तान की हालत में तर्स खाना ना चाहिए ना सब आप ये नहीं सोचते कि श्रीलंका जो दिवालिया हो चुका है मुल्क उसको आई 2.9 बिलियन डॉलर्स जो है वो जारी कर रहा है और हमारे साथ कितने अरसे से स्टाफ लेवल अरसेदे हो रहे हैं और हमारे यहाँ यहाँ पे इजरानी हो रहा इसलिए नहीं हो रहा मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हमारे हालात का हमारे अंदर का बड़ी अच्छी तरह निलम है श्रीलंका में हमसे ज़्यादा अदम इस्तकाम है सियासी हमसे कई गुना ज़्यादा वहाँ पर जो हुआ था ये बहाना बनाते हैं ना सियासी के घर तक पहुंच जाए जला ला हैं।, हैं आग लगा हैं तो वहाँ वहाँ पर तो आज हमारे यहाँ पे तो उससे एक परसेंट भी नहीं उतना लेकिन असल मामला यह है कि उनको पता है किस हुक्मरान की कहाँ पर प्रॉपर्टी है किसकी जायदाद कहाँ पे है किसकी क्या मामलात है कौन सा सियासतदान पाकिस्तान से कितना लूट के लेके गया है किस सियासतदान के पास कितना पैसा है ये सारा कुछ है या सर, या सर।, या सर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं अब फाइनल राउंड होने वाला है अब जब मैंने जिस मुल्क में मैंने जबर को बढ़ते देखा है ना जब जब मैंने जबर को जबर बहुत ज़्यादा होते देखा है तो फिर सारा मामला जो है ना वो उल्टते देखे या सर। ये बात आप जेल में रखें फिर मामला तो उल्ट जाते हैं फिर मामला रुकते नहीं हैं आपने अगर इस मुल्क को बचाना है फौरी तौर पर जमहूरी तरीके से इलेक्शन की तरफ जाएँ जब भी कराने इलेक्शन इलेक्शन की तरफ जाएँ एक नया जमहूरी सेटअप लाएँ कोई उसे मानता है या नहीं मानता अगर आप ये कह दें कि हारने वाला मानेगा चाहे आप फरिश्ते जो है वो पोलिंग एजेंट बिठा दे फरिश्ते जो है वहाँ पे आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा दें जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना लेकिन आपको एक साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने पड़ेंगे लेकिन राना साहब जब जब भी का सबका या का इस्तेमाल किया जाए तो वो तो फिर आइन के मुकर करदा दिनों से तो बाहर का भी बनता वहाँ पे क्या आइन को मअतल करके इंतजाम करना आपके पास आइन है लेकिन साहब जो भी बात है नहीं 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 यासर इस पर बात कर लेते हैं ना क्या आइन मतल नहीं है अगर आयन मुतर नहीं है तो फिर चीफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी के बाद और दीगर अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी के बाद इलेक्शन किस बुनियाद पर मुलतवी कर दी अच्छा चले इसका इसका जवाब यह है कि जब इलेक्शन कमीशन उसने नफरी लेनी है तो वो वजारत दाखिला ने देनी है उसने आर ओस लेने हैं तो ब्रोक्रेसी से मिलने हैं उसने फंड्स लेने हैं तो वजारत खजाना से मिल, वो सारे हाथ उठा देंगे तो इलेक्शन कमीशन कहा इलेक्शन कमीशन को, इस, को कहाजू करना चाहिए था अदालत से सो, रजू सो रजू मोटो कहां से हुआ था अदालत से वो यकीन दानी कहां कराई गई अदालत में तो फिर इस पर सबसे पहले तो अदालत से रिजू करना चाहिए था ना और अदालत रिजू करके कहते जनाब आपके हुक्म जिस तरह राना सनाउल्ला साहब ने कौमीबली पार्लियामेंट के जलाबशतर के अजलास में कहा जनाब ए चीफ जस्टिस साहब हम आपके हुक्म पे अमल करेंगे जो आपने फरमाया उसी तरह इलेक्शन होंगे लेकिन इन्होंने तो लेकिन भी नहीं कहा इन्होंने एक फौरी तौर पर एक जारी कर दिया और जारी करने के बाद दमादम मस्तक अंदर हो गया और उसके बाद दो दिन बाद आपने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अक्तूबर में इलेक्शन होंगे गवर्नर के पी के ने भी कह दिया जनाब आठ अक्टूबर को इलेक्शन होंगे मुझे बताएं आठ अक्टूबर तक आप कोई रोड मैप बना के बता दें कि ऐसा कौन सा रोड मैप है आपके पास कि आठ अक्टूबर तक वो सारे मामला हल हो जाएंगे पाकिस्तान में खुशहाली की वो लहर आ जाएगी कि जिसके बाद आम आदमी हर शख्स भंगड़ा डालता हुआ पोलिंग स्टेशन तक जाएगा अब आप आपको बताओगे जनाब क्या पोलिंग स्टेशन के लिए जो स्टाफ है वो खुद एप्लीकेशन दे रहा है जनाब हमें पोलिंग गमला बना लें कौन सी ऐसा रोडमैप कोई एक बता देना कोई एक ऐसा रोडमैप बता दे है ही नहीं ऐसा दायर दरखास्तों पे इस वक्त तमाम फ्री को नोटिस जारी हो चुके हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन है विफाक है पंजाब है के पी है वजारत पार्लियमानी मूर है और काबीना है अब देखिए क्या जवाब जमा करवाया जाता है लेकिन राणा साहब अभी मंजरनामा यही लगता है कि लिंगर ऑन करने की कोशिश की जाएगी जिस तरह आर्टिकल्स के हवाले दिए जा रहे हैं ये शिक है ये शिक है इसको मिला के पढ़ें दो को दो से मिला के पढ़ें फिर साथ में एक सौ पचास पढ़ें यह मंजरनामा तो यही लगता है कि बहस मुबासे में ही इन्होंने वक्त गुजारना कितना मैं कह रहा हूँ कि डिले कर लेंगे मैं मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने फैसला किया हुआ है कि हर सूरत में डिले करना है हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होना पड़े कुछ लोगों के को रिज़ाइन देना पड़े आप मेरा इशारा समझ गए कुछ लोग अचानक रिज़ाइन दे के चले जाए हम इलेक्शन ही करा सकते एक आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जाए कोई और मामला करने की कोशिश की जाए लेकिन इलेक्शन आ लेकिन उसके बाद एक चीज़ आती है बड़ी क्लियर सी क्या नब्बे दिन के बाद तो चले मान लें इलेक्शन हो जाएंगे आप कुछ ऐसा बना लेंगे नब्बे दिन के बाद निगरान सेटअप किस तरह चल सकता है अच्छा इसके लिए इनकी सोच क्या है यानी कुछ ना कुछ तो इन्होंने सोचा होगा ना कि अगर आज आठ अक्टूबर तक ही लेके जाना है तो क्या कोई टेक्नोक्रेट सेटअप चलाएंगे या इसी निगरान गवर्नमेंट को लिंगर ऑन करने की कोशिश करेंगे जो आइन में कहीं भी नहीं उसके इख्तारात दर्ज नहीं है ना ये कहते हैं कि आज का दिन गुजर जाए कल का कल को देखेंगे फिर कल का दिन आएगा कहेंगे वो भी गुजर जाए परसों का परसों को देखेंगे फिर परसों का दिन आएगा कहेंगे ये भी गुजर जाए फिर उसके अगला दिन देखेंगे आप मुझे एक सिंपल सी बात बताएं पाकिस्तान सारा पर है वज़ी अजम साहब सिर्फ पंजाब के शहरों में जा रहे हैं सस्ते आटे के लिए क्या बलोचिस्तान में बसने वाले हमारे भाई नहीं हैं क्या के पी के में रहने वाले हमारे भाई नहीं हैं क्या तो सिंध में, है? में रहने वाले हमारे भाई नहीं हैं क्या गिल्कट बल्तस्तान में रहने वाले हमारे भाई नहीं हैं क्या कश्मीर में रहने वाले हमारे भाई नहीं हैं क्या वो हमारा हिस्सा नहीं है अगर आपने सियासत ही करनी है और आपने कहना कि मैंने सियासत इसी पंजाब के अंदर करनी है तो फिर आप खुल कर सियासत करें फिर आवाम को या इस मुलक को क्यों आप उस तरफ लेके जाते हैं क्यों गलत बयानी करते हैं फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना यहाँ पर ये चीज़ सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि जनाब मर्जी की बात करो या सर आज तो हम तनकीद का आ रहे हैं मुझे लगता है कुछ दिन बाद शायद हम तनकीद भी ना कर सकें जो हालात पैदा हो रहे हैं ना जवाबी का दौर चल जब बंदी का दौर चल रहा है हो सकता है हम तनकीद भी ना कर सकें हो सकता है कि हर हर तनकीद करने वाली ज़बान जो है उसको ताला लगा दिया जाए उस पर पाबंदी लगा दी जाए लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है आप कितनी पाबंदी लगाएंगे, कितने लोगों के साथ ऐसा करेंगे कितना इंटरनेट सर्विस बंद करेंगे कितना कुछ करेंगे लोगों को खाने को दें लोगों को रोजगार दें लोगों के मसाइल हल करें बेरोज़गारी का खात्मा करें लोग आपसे नाराज नहीं होंगे लोगों को कोई गर्ज नहीं फिर किसकी हुकूमत है लोगों को फिर कोई ये नहीं कि किसका चेहरा अच्छा है किसका बुरा है मैं तो थक गया हुआ आज सुबह से देख देख के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती थी दूसरी आ जाती थी दूसरी खत्म होती थी तीसरी आ जाती थी तीसरी खत्म होती थी चौथी आ जाती थी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जिक्र हुआ कि मुल्क के मुशी हालात क्या है पार्लिमेंट का आपने मुश्तरक पार्लियामेंट का इजलास सुना उस पूरे पार्लीमेंट के मुशतरका पार्लियामेंट के इजलास में आम आदमी की बात हुई अब कल फिर इजलास है पीर के रोज़ इजलास है तरीके इंसाफ के सेंटर भी जा रहे हैं अब इजलास भी होगा दमादम मस्कर मैं आपको बता रहा हूँ और एक तरफ अदालत की कार्रवाई चल रही होगी एक तरफ इजलास चल रहा होगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान के बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें सीधी करने पे लगे होंगे और कप्तान हो सकता है पीट के रोज़ इस्लामाबाद हो अब ये बताइए अटर्नी जनरल शहजा तायला के इस्तीफ़े की वजह क्या बनी लेकिन जी आज उन्होंने कहा कि एक तो मैं आपको बताऊं कि वो एक बड़ा डेडोनेस्ट तो और बड़ा अच्छा आदमी ऐसे वकला उनके वालदे मोहतरम भी बड़े और ये वो वकील थे अटारनी जनरल थे जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक माहौल अच्छा था मेरे पास जो इतला ये है कि वो वो किसी सूरत में किसी सूरत में भी किसी गलत बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते वो किसी गलत फ़ैसले पर लड़ना नहीं चाहते थे केस वो किसी गलत फ़ैसले को लेकर तर्जमानी नहीं करना चाहते थे ये मेरे पास जो इतला वो ये है देखें इन्होंने अब जिसको बनाने जा रही हैं जिसको बना दिया है वो इनका फेवरेट तरीन है लेकिन अटारनी जनरल आप सौ बना दें अटारनी जनरल आप एक हज़ार बना दें आप बेहतरीन शख्स को बना दें आइन की जो किताब है आप उसको किस तरह ख़त्म करेंगे आयन की किताब की किस तरह तब्दीली करेंगे आयन की किताब में किस तरह उनके उन को उन वर्क सफात को आप फाड़ेंगे जिसमें आयन में लिखा है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए आपको ये करना पड़ेगा जरा मैं यासर साहब थोड़ा सा माजी में चले जाए लाहौर हाई कोर्ट ने यह लाहौर हाईकोर्ट जिसपे बड़ी तनकीद होती है ना और सुप्रीम कोर्ट पर कुछ जजिस पर तनकीद हो रही है तो हमें बात करनी चाहिए न क्या इस लाहौर हाई कोर्ट ने राना सनाउला साहब पर पर्चा मंशियात का जिसकी बेल मुमकिन नहीं है बेल ली उन्हें रिलीफ दिया मिला। तो यही कोर्ट बड़े बेहतरीन थी क्या इस कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ के लिए कितने के स्टाम्प पेपर ये पे पर कुछ जाने के लिए दिया फिर ये कोर्ट थी क्या इन्हीं कोर्ट ने हमजा शबाज के पेश हुए बगैर उनकी बेल ली कोर्ट ठीक थी कमर में दर्द है नहीं आ सकता हाजिरी से बिल्कुल इतना दिया जाए मंजूरी हो गई यही कोर्ट ठीक थी मरियम नवाज साहबा कहती है ना उन्होंने कभी बीमारी का बहाना किया ना उन्होंने ये कहा कि मेरी जान को कोई खतरा है ना उन्होंने तो तो जो बाहर गए हुए हैं क्या वो फुटबॉल का मैच खेलने गए हुए और बीमारी के लिए बीमारी के इलाज के लिए बाहर गए थे ना मरियम साहबा का अगर वो क्लिप मेरे मोजस प्रोड्यूसर साहब दिखा दे जिसपे वो कह रही हैं कि छह माह छह हफ्ते भी हफ्तों में तो जुकाम का इलाज नहीं होता तो कप्तान की गोली का वो कहते हैं जी दो दिन में इलाज हो जाए मैं तो नहीं ये कह रहा ये तो मरियम साहिबा ने कहा था और लीडर हैं हमारी बोलक की बहुत बड़ी ये उनका कहना था तो मिया साहब फुटबॉल का मैच खेलने नहीं गए यासिर साहब मिया साहब बीमारी का इलाज कराने गए हैं मिया साहब की वापसी के हवाले से बड़ी बाजगर सुनाई दे रही है राम साहब इस पर मैं आपका जवाब जानूंगा लेकिन एक ब्रेक लेते हैं जिन ब्रेक के बजाएंगे इसी मंजना में मजीद बात की जाएगी कहीं नहीं जाएगा बदास। ब्रेक के बाद खुश आमदी नाजीन आठ अक्टूबर तारीख का ऐलान आठ अक्टूबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मायल होती दिखाई नहीं देती आठ अक्टूबर से दरमियानी रास्ता राना साहब ये बता चुके हैं कि हो सकता है जुलाई में इलेक्शन हो जाए अगर विफाकी हुकूमत मानती है लेकिन विफाकी हुकूमत किन शरात के ऊपर मानेगी एक तरफ अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहे कि हालात का फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठा रही है तो कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ना कहे कि हालात का फ़ायदा नून लीग उठा रही है जो बरसर इकतदार बैठी हुई है और इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा वजारतें और वजारत उमा पे बराजमान इन्हीं के लोग हैं तो राना साहब क्या समझते हैं इंतबा के हवाले से हिमत अमली क्या है टिकट्स की तकसीम तो इधर शुरू होनी थी वो ये कहते हैं तैयारी हमने बहुत ज़्यादा की हुई थी तो दो जी तो जी में रखिएगा मुस्लिम लीग नोन के पास अभी वो उम्मीदवार नहीं है जिन उम्मीदवारों को वह धोबा कर रहे थे विनिंग उम्मीदवार नहीं है एक वक्त था कि नोन लीग के पास टिकटों के लिए लाइन लगी होती थी अब टिकटे हैं लेकिन लाइन में लगने के लिए बंदा कोई नहीं टिकट लेने के लिए कोई नहीं यानी एक इकतदार की ये वो गाड़ी है जिसपे बैठने के लिए अब तैयार कोई नहीं है नंबर एक पीपल्स पार्टी को पता है कि जनूबी पंजाब में हमें कुछ मिल सकता है वस्ती पंजाब या बोटोहार में हमें कुछ नहीं मिल सकता तो वो तो सारा मामला फार तहरीक इंसाफ की तैयारी मुकम्मल है एक एक हल्के में मैं आपको यह यकीन से कह रहा हूँ सात सात आठ आठ नौ नौ उम्मीदवार हैं अब इन्होंने हकमत अमली ये बनाई है या पाँच फीसद खातीन लड़ेंगी और लाहौर में मरियम के मुकाबले में भी खतून आ रही है मरियम नवाज शरीफ के मुकाबले में खतून इलेक्शन लड़ेंगी कौन लड़ेंगी आ, वो जो है डॉक्टर साहब डॉक्टर नशीन हामद साहब अच्छा मैं अगर कौमी असम्बली का सूबाई असम्बली का होगा तो वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है नवीद उसके कागज़ से मैं वो लड़ेंगे पाँच फ़ीसद नशस्तें दे रहे हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ खवान को तहरीक इन पाँच फ़ीसद पर ओवरसीज़ आएँगे पच्चीस परसेंट यंगस्टर आएंगे यूथ जो है और उसके अलावा बाकी जो इनके लोग हैं उस हिसाब से ये निश्चित तकसीम करेंगे नहीं आप, आप भी, कहना चाह रहे हैं तकरीबन कोई पैंतीस फीसद नए चेहरे आएंगे जी बिल्कुल पैंतीस फीसद नए चेहरे आएंगे और मैं आपको ये मजे वाली बात खान साहब तमाम चीजें फाइनल कर चुके हैं खान साहब ने हर हल्के से तीन तीन लोगों को कहना है कि आप जो मेरे सुनने में है आप अपनी अपने कागज जमा जो कराए हैं कैटेगरी वन टू थ्री वन टू थ्री तीन लोग रखे हुए हैं तीनों आखिरी वक्त तक मौजूद रहेंगे अपनी नशिस्तों पर किन को बिठाना है उसका फैसला तीन या पाँच तारीख को करेंगे अगर ये तीस अप्रैल को इलेक्शन होते हैं तो टिकटॉक की अनाउंसमेंट हो जाएगी पाँच को तीन या पाँच को अनाउंसमेंट हो बल्कि मेरा ख्याल है यकम या दो को अनाउंसमेंट हो जाएगी और अगर इलेक्शन आगे चले जाते हैं अगर इलेक्शन जून जुलाई में जाते हैं तो फिर अनाउंसमेंट नहीं होगी लेकिन खान साहब ने कैटेगरी वन टू थ्री सब रख लिया किया क्या इन्होंने महंगाई के खिलाफ जलसे जुलूसों की बाकायदा कॉल दी वहां पर खान साहब की तीन टीमें बाकायदा मुकामी क्यादत से हट के करती थी जिनका मुकामी क्यादत को पता ही नहीं होता था फिर खान साहब जब इजलास करते थे फिर नाम लेते थे कि जनाब आपके फलाँ शहर में जो रैली हुई है उसमें ए कैटेगरी ए प्लस कौन है ए कैटेगरी में कौन है बी कैटेगरी में कौन है और सी कैटेगरी में कौन है किस को दोबारा मतलब रियाज फत्याण साहब को कहा कि फतियााना साहब आप तो बड़े मुतहरक हैं आपको एक रैली और निकालनी चाहिए आपकी रैली वो नहीं रही यहाँ तक उनकी रिपोर्ट थी इसी तरह उन्होंने बाकी शहरों में भी बहुत से लोगों से कहा कि आपको दोबारा रैलियाँ निकालनी पड़ेंगी और एक एक हल्के में कौन इलेक्शन लड़ रहा है उस हल्के के अंदर उसकी इलेक्शन कंपेन क्या है उसकी बरादरी उसके ग्रुप उसके लोग ये सारी चीज़ें या सर ये सारी चीज़ें चल रहा, रहा, रहा साहब फ़र्ज कर लें खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती गिरफ्तारी के बाद की हिमत है क्या खान साहब ने अपनी टीमें तश्लील दी हुई कुरैशी साहब की भी हो जाती है फिर मैं कह रहा हूँ इन सब की भी हो जाए खान साहब ने उसके बाद भी मैंने जिस तरह आपसे कहा था मैं हम वो अनाउंस नहीं कर सकते उनकी है। ए बी सी डी हुकूमत सर पकड़ के बैठ जाएगी कि ये कौन कौन से लोग हैं भाई ये कहाँ कहाँ से क्या क्या निकल रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ खान साहब की तो कई तकारीट तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं खान साहब की तो बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं जिनमें ये सारी चीज़ें चलेंगी कि गिरफ़्तारी के बाद खान साहब ने क्या कहा क्या पैगाम है गिरफ़्तारी के बाद आपको सोशल मीडिया पर नज़र आना शुरू हो जाएगा सही है नहीं। खान साहब गिरफ़्तार हैं लेकिन उनके बयान चल आ चल रहे हैं देखें मुझे पता है कि टी वी पर नहीं चल सकेंगे क्योंकि ये जमहूरी दौर है और जमहूरी दौर में जमहूरीत के लिए बात करना बड़ा जुर्म होता है बन चुका है ना तो आप पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे डर रहे हैं आप कि आपको भी अब आपकी आवाज़ भी बंद ना कर दी जाए आवाज़ तो जब बंद होनी है सबकी हो जानी है लेकिन ये हो, होता रहे चले वो पॉलिसी होती है जैसी भी चलती है लेकिन आपको एक बात मैं क्लियर और साफ बता दूं। ऐसे दौर में साहब शेर याद आता है कि सकूत लब को तोड़ रब नुत को लब का नाम ले खतीब मम्बर सेना से जुर्त कलाम ले यानी हम जैसे लोग जो हैं वो इतना ही बोल सकते हैं और इतना ही बोलना जो है वो अवाम की ही मोहब्बत की वजह से होता है या अवाम की अप्रोच की वजह से होता है बसूरत दीगर ये ज़बानें तो गुंग हैं दुरुस्त कहते हैं आप है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं लेकिन जब तक बोल सकते हैं बोलेंगे जब तक इजहार कर सकते हैं करेंगे जब तक लड़ सकते हैं लड़ेंगे क्योंकि हम ज़मीर को मुर्दा नहीं कर सकते हम ज़मीर का सौदा नहीं कर सकते हम अल्फाज को बेच नहीं सकते दिलों में उतार सकते हैं हम अपने कलम को तोड़ तो सकते हैं लेकिन गिरवी नहीं रख सकते चले हम एक दुआ तो करें ना हम हमें जो असलाह करनी है हमें आवाम हम की आवाज़ तो बनना चाहिए ना हमें इस मुल्क के बेगार को सीधा करने में अपना रोल तो अदा करना चाहिए ना हमें बतौर एक सहाफ़ी जो काम कर सकते हैं वो करना चाहिए या सर वो हम करते रहेंगे अच्छा या सर इलेक्शन की बात हो रही थी इलेक्शन में तो सिर्फ सूट इलेक्शन कर रहे हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ को ना पार्टी को ना मौलाना साहब को सही ना न किसी और अभी भी, भी पीटीआई को सूट कर रहा है आज से चार महीने बाद भी पीटीआई को सूट करेगा लेकिन विफाक हुकूमत इस पर क्या स्ट्रेटजी रखेगी ये तो वक्त ही बताएगा नाज़ीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है मुझे और राना जिंक साहब को दीजिए इजाज़ बहुत सा ख्याल रखेगा मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के पान